एक टिप्पणी की है, सर इस पे क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहने के आदी हैं, जिन्हें भारत के इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है, वे इस प्रकार के अनर्गल टिप्पणियां करेंगे ही। खासतौर पर जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मुझे याद आता है कि जिन लोगों ने कभी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है, वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हास्यास्पद ही होगा। भारत की एक समृद्ध परंपरा रही है और भारत को भारत बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों, राजा महाराजाओं, जनता जनार्दन और समाज के प्रत्येक तबके का अपने अपने क्षेत्र में सबका योगदान रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि राहुल जी बोलते समय क्यों उन राजाओं के योगदान को भूल गए, जिन लोगों ने भारत को भारत बनाने में योगदान दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक महान हैं, महाराज मिहिरभोज हैं, यही परंपरा आगे बढ़ती है। पृथ्वीराज चौहान हैं, महाराणा प्रताप हैं, इससे पहले महाराज सुहेलदेव हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। देश की आजादी की लड़ाई में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या उन तमाम लोगों के, राजा महाराजाओं के, महारानियों के योगदान को कौन विस्मृत कर सकता है। आज भी भारत की गाथा में, भारत की परंपरा में बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ लोग उन्हें स्मरण करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। लेकिन राहुल जी को कभी मध्यकाल के मुगलों के वे अत्याचार याद नहीं आए, जिन्होंने हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, जिन लोगों ने अत्याचार और बर्बरता की सभी सीमाओं को लांग डाला था। अगर राहुल गांधी को इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, ये भी बताना चाहिए कि आखिर अयोध्या में राम मंदिर तोड़ने का दोषी कौन है, कौन दोषी था। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, इनको तोड़ने का दोषी कौन था। देश के अंदर व्यापक पैमाने पे मध्यकाल में देश की सनातन संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ तलवार के बल पर नरसंहार करने वाले कौन लोग थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को किन्होंने नष्ट किया था, कौन लोग थे वह, उनके भी तो थोड़ा चर्चा कर लेते। लेकिन दुर्भाग्य है, अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाले भारत की विरासत के बारे में गौरव की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, और उनसे ही उम्मीद करना भी मुझे लगता है कि ये अपने आप में नाइंसाफी होगी। और मुझे लगता है कि स्वयं में एक जो है अनावश्यक रूप से हम लोग माथापच्ची करें अगर राहुल गांधी जैसे लोगों से उम्मीद की जाए तो। सर एक इशू है, कांग्रेस का कहना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो सीए कानून को जो है समाप्त कर देंगे, नहीं लागू होने देंगे। क्या वजह लगती है, क्यों कांग्रेस को सीए से इतना एलर्जी है या कह देखिए, सकते हैं नहीं लागू करना चाहते? कांग्रेस का वास्तविक चेहरा देश और दुनिया के सामने आ गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट,
ये किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत या किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। यह तो भारत का मानवता को एक संदेश है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, पारसी, ईसाई, इन सबको उनकी भूमि पे प्रताड़ित कर दिया गया, बर्बर अत्याचार किए गए और वे लोग वहां से छोड़ करके शरणार्थी के रूप में भारत में आए हैं, 5 वर्ष पहले से रह रहे हैं। सीएए उनको भारत की नागरिकता देने का पक्षधर है और भारत अपनी मानवीय संवेदना की पक्षधर होने के नाते उन लोगों को भारत की नागरिकता देना चाहता है। आखिर कांग्रेस को इससे क्या एलर्जी है, या कांग्रेस उन कट्टरपंथियों के दबाव में क्यों आ रही है जो मानवता के दुश्मन हैं? कांग्रेस का यह वक्तव्य मानवता के खिलाफ है, मानवीय संवेदना को रौंदने वाला है और कांग्रेस के बर्बर चेहरे को प्रदर्शित करता है।